नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रगति द्विवेदी। सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ते अश्लील कंटेंट के चलते केंद्र सरकार ने गुरुवार को लगभग सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। इन गाइडलाइंस से अब सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और आपत्तिजनक कंटेंट पर रोक लगेगी, वो अब निरंकुश नहीं रह पाएगी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत होने पर उसे 36 घंटे के भीतर हटाना होगा। साथ ही डिजिटल मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह ही सेल्फ रेगुलेशन करना होगा। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 140 करोड़ है। ये नए नियम यूजर की संख्या के आधार पर और सख्त होंगे। ये तो हुई सरकारी गाइडलाइंस की बात। हम अपने वीडियो में आपको सोशल मीडिया के क्या है फायदे और क्या है नुकसान, इसके बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया के फायदे। आजकल जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ा है, उससे बच पाना हम सब के लिए बहुत मुश्किल है। हम सब किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते ही हैं, क्योंकि ये बहुत तेजी से होने वाले कम्युनिकेशन का एक मीडियम है। ये हमें कहीं पर भी बैठे आसानी से समाचार देता है। दुनिया में क्या हो रहा है हमें तुरंत पता चल जाता है। सोशल मीडिया के जरिए हम अपने विचार दूसरों के साथ आसानी से शेयर कर सकते हैं। हम किसी भी विषय पर अपनी राय आसानी से लोगों तक पहुँचा सकते हैं। अगर आप बिजनेस की बात करें तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल इसके लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि इससे आप अपने व्यापार से जुड़े एडवर्टीजमेंट को कम समय में ज्यादा लोगों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। यहां तक कि एक टारगेट ऑडियंस को नजर में रखकर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। यहाँ किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति किसी भी कंटेंट का मालिक नहीं होता है। ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है जो सभी वर्गों के लिए, चाहे वो शिक्षित वर्ग हो या अशिक्षित वर्ग, सबके लिए एक समान है। तो ये तो हुए सोशल मीडिया के फायदे। अब जानते हैं इससे होने वाले नुकसान के बारे में। सोशल मीडिया के इस्तेमाल से सबसे ज्यादा किसी को नुकसान होता है तो वो है बच्चे, क्योंकि आजकल बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी स्मार्टफोन के आदि हो चुके हैं। सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का एक एक्टिव हिस्सा बन गया है, जिसे आप चाहते हुए भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा समय बिताने का नकारात्मक असर बच्चों पर पड़ता है, और अक्सर बच्चों को सोशल मीडिया की लत लग जाती है। इसका असर बच्चों की सेहत पर भी पड़ता है। साल 2015 में ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी की रिसर्च में पता चला कि पूरे दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट लाइक करने, मैसेज का जवाब देने और दोस्तों से चैट करते रहने का असर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। सोशल मीडिया वेबसाइट के बीच साइबर बुलिंग भी बहुत तेजी से बढ़ गया है। साइबर बुलिंग का खतरनाक असर पड़ सकता है। हर साल कई बच्चे साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं। सोशल मीडिया आपका सबसे ज्यादा समय बर्बाद करता है, और ये बात आपको मान लेनी चाहिए। दिन भर हो रही हिंसा और तनाव की खबरें मीडिया में जमकर चलती रहती हैं, और ना चाहते हुए भी आपको इनसे रूबरू होना पड़ता है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर हैं और ये खबरें आपके लिए नकारात्मक साबित हो सकती हैं। जब आप सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको असली सोसाइटी की जरूरत कम महसूस होती है और आप समाज से कटते चले जाते हैं। सोशल मीडिया के जरिए प्राइवेट डेटा लीक होने की भी बहुत ज्यादा संभावना होती है। हम अक्सर खबरों में देखते हैं कि सोशल मीडिया द्वारा धोखाधड़ी होती है, इससे हैकिंग तक की जाती है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना गलत नहीं है, लेकिन अगर ये आपके विचारों पर हावी होने लगे तो ये गलत रूप ले सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये हमारे इस्तेमाल के लिए बनाया गया है, ना कि ये हमारा इस्तेमाल करने लगे। इसलिए जरूरत के हिसाब से ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें और अपना समय बेकार में बर्बाद ना करें। हमारे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल टीवी 9 भारतवर्ष। नमस्कार। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।